आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। आखिर कार्तिक महीने को दामोदर मास क्यों कहा जाता है? दामोदर मास में नटखट कन्हैया की लीलाओं की कथा जानिए। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म के अनुसार हर माह के नाम अलग अलग रखे गए हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। इन महीनों में कार्तिक का महीना भी शामिल है। कार्तिक महीने को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कार्तिक महीने में दीपावली के दिन बाल नन्हे और नटखट भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सबसे प्यारी लीला दामोदर लीला की थी। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना अति पावन है। यह महीना भगवान विष्णु की अनंत लीलाओं की महिमा का गुणगान करता है। भगवान विष्णु को सभी महीनों में कार्तिक मास अति प्रिय है। मान्यता है कि इस महीने जो भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने की महिमा अनंत है। कहते हैं न हरि अनंत हरि कथा अनंता। कार्तिक मास के चल रहे इस पावन पर्व पर आज हम आपको भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की एक बाल लीला की कथा बताने जा रहे हैं। इसका वर्णन अनेक पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण की एक बाल लीला कथा इस कार्तिक मास से जुड़ी हुई है, जिस कारण कार्तिक मास को दामोदर माह के नाम से भी जाना जाता है। एक खूबसूरत सुबह माता यशोदा दूध मथ रही थी, गा रही थी और कृष्ण की लीलाओं को याद कर रही थी और नन्हे कृष्ण उनके सामने प्रकट हो। वे भूखे थे और अपनी माँ के प्यार को बघाने के लिए वे चाहते थे कि उसकी माँ यशोदा मथना बंद करे और पहले उसे अपना दूध पिला। माँ यशोदा ने प्यार से कृष्ण को अपनी गोद में लिया और उन्हें अपना स्तन दूध पिलाना शुरू कर दिया। वह इस पल का आनंद ले रही थी और नन्हे कृष्ण के सुंदर चेहरे को देख रही थी। अचानक चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। दूध को उबलने और फैलने से रोकने के लिए माता यशोदा ने तुरंत कृष्ण को एक तरफ रख दिया और चूल्हे के पास चली गयी। उस समय कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गए। माता यशोदा को अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने मक्खन की मटकी तोड़ दी, उसमें से मक्खन निकाला और खाने लगे। इस बीच माता यशोदा वापस लौटी और उन्होंने एक टूटी हुई मटकी देख। चूंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण आसपास नहीं मिले, इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने ही ऐसा किया होगा। उन्होंने कृष्ण को इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण को छत पर बंदरों को मक्खन खिलाते हुए पाए। उसने कृष्ण को दंड देने के लिए अपने हाथ में एक छड़ी ली। उसने चुपचाप उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया और वे भागने लगे। माँ यशोदा ने उनका पीछा किया, लेकिन नन्हे कृष्ण तेजी से भाग रहे थे। किसी तरह माता ने उन्हें पकड़ ही लिए। उनके द्वारा पकड़े जाने के बाद नन्हे कृष्ण रोने लगे। उन्होंने अपने कमल के हाथ को अपनी आंसुओं से भरी आँखों पर मल लिए। वे डर गए थे और अपना प्यारा चेहरा दिखाकर माँ यशोदा के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माँ यशोदा उन्हें दंड देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छड़ी फेंक दी और उसे रस्सियों से बांधने के बारे में सोच। उनके हाथ बांधना असंभव था, इसलिए उन्होंने भगवान श्री कन्हैया को ओखली से बांधने की कोशिश की। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को बांधना असंभव है और यही कारण है कि वे कृष्ण को बांधने में कठिनाई का सामना कर रही थी। दूसरी ओर अपनी माँ को संघर्ष करते देख कृष्ण उनके साथ बंधन में बंधने के लिए सहमत हो गए। उन्हें बांधने के बाद माँ यशोदा ने खुद को गृहस्थी के कामों में व्यस्त कर लिए। उसके बाद कृष्ण ने अपने आसपास दो बड़े पेड़ देखे, जिन्हें अर्जुन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण को लगता है कि माँ यशोदा ने उनके साथ गलत किया है, जबकि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी। तब भी उन्होंने माँ यशोदा को उन्हें पर्याप्त दूध पिलाए बिना छोड़ने का दोषी ठहराया और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मटकी फोड़ दी और सारा मक्खन बंदरों को दान में दे दिए। उनके अनुसार उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए कुछ और शरारत करने के लिए उन्होंने दो बड़े अर्जुन पेड़ों को उखाड़ने की योजना बना। कथा के अनुसार लगातार ओखली खींचने के कारण अर्जुन का पेड़ उखड़ गया
और कुबेर के दो पुत्र नलपुवर और मणिग्रीव उन पेड़ों से प्रकट हुए। उन्हें नारद मुनि ने श्राप दिया था, इसलिए वे अर्जुन के पेड़ बन गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें फिर से देवताओं का जीवन मिला और वे भगवान के महान भक्त बन गए। पेड़ के गिरने की गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर माता यशोदा, नंद महाराज सहित गोकुल के निवासी मौके पर आए। उन्होंने देखा कि पेड़ गिर गए थे और उन्हें कोई कारण नहीं पता चला कि वे क्यों गिरे, इसलिए उन्होंने सोचा कि यह किसी राक्षस द्वारा किया गया हो। इस तरह यह लीला उखल बंधन लीला कहलाई और यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। इस प्रकार दामोदर लीला के माध्यम से कृष्ण ने हमें दिखाया कि कैसे कोई उन्हें प्रेम, स्नेह और भक्ति की डोर से बांध सकता है। इसलिए कार्तिक के महीने को दामोदर मास इसलिए कहा जाता है। मद भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की इस लाला को विस्तार से बताया गया है। जब दोनों वृक्ष गिरे तब यशोदा मैया श्री कृष्ण की चिंता करते हुए भागी चली आई और उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वह श्री कृष्ण से बोली, लला अब मैं तुम्हें कभी भी सजा नहीं दूंगी। और श्री कृष्ण अपनी बाल रूप की मंद मुस्कान लिए यशोदा माँ के गले लग गया। दामोदर का अर्थ होता है पेट से किसी चीज को बांध देना। श्री कृष्ण के उखल से बंधे होने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा और कार्तिक के महीने को दामोदर नाम से भी जाना जाने लगा। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।